हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मिर्ची के पकौड़े। यहाँ मैंने मिर्च की खेती की है और ये हमारी खेती इस साल बहुत अच्छी हुई है मिर्च की। ये हमारी छोटी सासू माँ हैं और ये भी हमारी मिर्च तोड़वाने में मदद कर रही हैं। खेतों में जो सबसे बड़ी मिर्च होती हैं, मोटी, वही हम लेंगे और हम जो अच्छी अच्छी मिर्चें हैं उसी को तोड़ेंगे। मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए जो मिर्च हम तोड़ते हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, हल्की तीखी होती है और बहुत ही अच्छी मिर्ची के पकौड़े इसके बनते हैं। तो मिर्च हमने तोड़ ली है, अब मैं इसको लेकर घर जा रही हूँ। मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के लिए लिया है हमने बेसन, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालती हूँ और ये हमने अजवाइन लिया है, इसको हाथों पर रगड़ कर थोड़ा सा मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और धीरे धीरे हमें इसे बनाना है। ये देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है, हमें इसी तरह का घोल बनाकर रखना है। घोल हमारा बनकर तैयार है, अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख लेते हैं। ये मैंने उबला हुआ आलू लिया है, अब मैं इसको अच्छे से छील कर मैंने रख लिया है, तो अब मैं इसको मेस लेती हूँ। आलू को हमें बहुत अच्छे से मेस करना है। मसाला तैयार करने के लिए हमने लिया हुआ है मेस किया हुआ आलू, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, पंचफोरन, जीरा, लहसुन और अदरक लिया हुआ है, कटी हुई हरी मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया हुआ है और ये हमने अमचूर पाउडर लिया हुआ है। तो चलिए इसका मसाला हम तैयार करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें हम तेल डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से तड़कने लगे तब हम उसमें पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन हमारा अच्छे से लाल हो जाए तब हम उसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी को थोड़ा भूनेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे, उसे भी थोड़ा भूनेंगे। जो हमने मेस किया हुआ आलू लिया है अब हम उसको डालेंगे इसमें। आलू डालने के बाद हम उसे अच्छी तरह मिलाएंगे।
अच्छी तरह मिलाने के बाद हम उसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह खूब मिलाएंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें मिल जाएं। कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं और कुछ देर तक इसको भून लेते हैं। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। एक हरी मिर्च हम हाथ में लेंगे और इसे बीच में से कट करेंगे एक साइड से, और इसके अंदर जो मिर्ची के बीज हैं उसको निकाल लेते हैं और इसमें हम भरते हैं मसाला। जो हमने मसाला तैयार किया है उसे मिर्ची के बीच में इस तरह से भरेंगे। इसी तरह हम सारी मिर्च को कट करके उसमें मसाला जो है हम भरकर तैयार करके रखेंगे। इस तरह बनाने से मिर्ची के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और देखिए, हमने सारी मिर्ची भर ली है और भरकर तैयार कर ली है। ये हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, इसको घोल में हम मिलाएंगे ताकि हमारी मिर्ची बहुत ही कड़ी और कुरकुरी बने। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक मिर्ची उठाएंगे और बेसन में उसको नीचे की तरफ से लपेटेंगे। मिर्ची में बेसन अच्छे से लपेटने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा बेसन है उसे हम नीचे गिरने देते हैं, फिर उसे गरम तेल में डालेंगे। ठीक है, पकौड़े बनाने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए। फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे हल्के आंच पर पकाएंगे। मिर्ची को हम सुनहरा कलर होने तक तलेंगे। अब ये देखिए, हमारी मिर्ची सुनहरे कलर की हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब और भी मिर्ची जो हमने बनाई हुई है उसे भी तलकर इसी तरह निकाल लेते हैं। आप इसको नाश्ते और भोजन के साथ परोस सकते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।